हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपके पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। ये रिपोर्ट जो है ये डिफेक्टिव है इन द आई ऑफ लॉ। इसमें किसी हुकूमती पर्सनैलिटी को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जस्टिस बाके नजवी कमीशन की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को वाजे तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दी और राना सनाउल्ला साहब की चेयरमैनशिप में ये पूरा प्रोजेक्ट हुआ है। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़कों में निकलेंगे। अगर किसी को भी दहशतगर्दी में अंदर जाना चाहिए, नंबर वन शहबाज शरीफ और नंबर दो राना सनाउल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर हम बैन अल-अक़वामी तौर पर देखें, दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो ऐसा महसूस होता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है यरूशलम को इसराइल के दारुल खलाफे के तौर पर तस्लीम करने का जो फैसला है, इस वक्त उसके खिलाफ आलम इस्लाम में जिस किस्म का रद्द अमल है, इस तराब है, वो गालिबन सबसे बड़ी अहम इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है। जिस हवाले से 13 दिसंबर को तुर्की के शहर इस्तंबुल में मुस्लिम ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। इसका दूसरा अहम पहलू ये है कि खिलाफत उस्मानिया के, सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के 100 बरस के अंदर अंदर एक बार फिर तुर्की के सदर जनाब तैयब रजब एर्दोगान ने तुर्की को आलम इस्लाम के मुसलमा लीडर की हैसियत से खड़ा कर दिया है। तुर्की की जो लीडरशिप है उससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता और ये बात भी वाजह होती चली जा रही है कि गुज़िश्ता 40 बरस में सऊदी अरब ने जो लीडरशिप प्रोवाइड की है वो बहुत हद तक अब उसकी मरकजियत जो है वो हमें ख़त्म होते नज़र आती है। लेकिन बात शुरू होती है पाकिस्तान की दाखिली सियासत से और पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी की आज सारा दिन जो मीटिंग्स होती रहीं, जिन मीटिंग्स के नतीजे में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी की डेलीगेशन कल डॉक्टर ताहिरुल कादरी से लाहौर में मिलेंगे, जहां इससे पहले ही पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ बैठ के। और यूं जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट शाया होने के, मंजर आम आने के 3 दिन के अंदर ही अंदर जो एक नेक्सस डेवलप कर गया है, एक गठजोड़ डेवलप कर गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पैट, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी और दीगर छोटी जमातों के दरमियान, उसमें लग तो कम अज़ कम यही रहा है। हम कितना ही मोहतात भी बात क्यों ना करें कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब और लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का सियासी मुस्तकबिल खासा मुश्किल हमें नज़र आता है। चीफ मिनिस्टर की अब ऑप्शन है क्या और इसके बाद पंजाब की सियासत का मंजरनामा क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आई एम लकी कि हमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। उनके साथ ही हमें ज्वाइन कर पाएंगे इस डिस्कशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब फवाद चौधरी साहब, डिफेंस एंड पोलिटिकल एनालिस्ट जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर पाएंगे और खुरम नवाज गंडापुर जो के सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। लेकिन मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगा जनाब राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, क्या इस कैरेक्टराइजेशन से आप एग्री करेंगे कि आप और चीफ मिनिस्टर पंजाब दोनों ही सियासी तौर पर एक बहुत ही बड़े चैलेंज में फंस चुके हैं, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हैं जिसमें से कोई रास्ता नजर नहीं आता? जिस सूरत हाल को आपने बयान करके हमारे लिए जो है वो एक चैलेंज के तौर पर जो है आपने उसको पेश किया है या उसको तसव्वुर किया है, तो ये सूरत हाल तो पिछले 4.5 साल से दरपेश है। 4.5 साल आप उठा के देख लें, हर महीने जो है वो इस किस्म के मुतालबे भी हुए हैं, इस किस्म के प्रोग्राम भी बने हैं, धरने भी हुए हैं, रैलीज भी हुई हैं, जलसे भी हुए हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हम अब कैसे तसव्वुर कर लें कि 4.5 साल ये होता रहा है और आखिरी जो 4.5 माह है वो कोई अदरवाइज़ गुजरेंगे?
वो भी इसी तरह से गुजरेगा जहाँ पे 4.5 साल गुजर गए हैं, तो ये 4.5 माह जो है या 6 माह जो है भी गुजर जाएंगे। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट का वो एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो फैसला है जिसके जरिए पब्लिक हुई है उसी में लिखा हुआ है कि इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। उसका जो भी इस्तेमाल होना है वो कानून के मुताबिक होना है, अदालत के जिस भी जो है वो जाविये से होना है। राना साहब, उसका बट राना साहब ये वो रिपोर्ट है या कंटेनर पर ही हो सकता। बट राना साहब ये वही रिपोर्ट है जिसको रोकने के लिए आपने और आपकी हुकूमत ने 3 बरस तक तगोदो की है, हर किस्म के कानूनी हरबे को डिफेंस को आपने इस्तेमाल किया और आप नाकाम हो गए। जब एक सिंगल मेंबर बेंच ने कहा कि इस रिपोर्ट को शाया कर दिया जाए तो आपने उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की, जहां पर एक बार फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील भी रद्द हुई है। देखिये बात यह है कि हम दरअसल ज्यादातर जो है ना वो तकरीरों के ऊपर जाते हैं या प्रोपेगेशन के ऊपर जाते हैं। हमने इस रिपोर्ट को 3.5 साल नहीं रोका, हमने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली। ये जिस दिन कमीशन कायम हुआ तीसरे दिन पैट ने इसका बाइकॉट कर दिया और 4 दिन बाद इसके खिलाफ एक रिट दायर हुई कि इस इंक्वायरी कमीशन की जो वेरी अपॉइंटमेंट है ये इलीगल है। उसकी बुनियाद के ऊपर एक लार्जर बेंच 3 जजेस का तश्कील पाया जिसकी सरबराही खालिद महमूद साहब कर रहे थे। इंक्वायरी कमीशन के जज साहब ने कहा कि जब तक ये मेरी अपॉइंटमेंट सब जुडिस है मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बड़ा रिपोर्ट आ गई। उसके बाद जो है वो रिट पटिशन जो है, हमने पहले दिन से कहा कि ये रिट पटिशन जो लार्जर बेंच में जेर समात है जिस दिन इसका फैसला होगा उसी दिन इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले इसका फैसला हुआ और उस फैसला होने के 3 घंटे के अंदर अंदर जो है हमने इसको पब्लिक कर दिया। राना साहब क्या मैं ये समझूं कि आप क्या इस स्टेज पे आप रिजाइन करने का, आप और चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? नहीं, आप मुझे बताएं कि 4.5 साल के हालात में कौन सी तब्दीली आई है कि जिसके ऊपर हम ये फैसला करें। ये इस रिपोर्ट के बाद 4.5 साल से हमारे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, अगर हमने इस्तीफे देने होते तो फिर हम जो है वो नहीं। इसलिए बात यह कि इस रिपोर्ट में है क्या, ये रिपोर्ट जो है वो तो जो है वो इसमें यानी जिस तरह की मैंने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, 2-3 प्रोग्राम में भी बात हुई, अगर आप उसके ऊपर बात करना चाहें तो मैं उसकी कॉपी अपने सामने रख लेता हूं। उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हालात को डिस्कस किया है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पढ़े वो अपनी राय कायम कर ले। ठीक है फवाद चौधरी साहब, मैं सबको लेके आता हूं। फवाद चौधरी साहब, खुरम नवाज गंडापुर साहब, फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी तो डिमांड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर भी रिजाइन करें, राणा सनाउल्लाह साहब भी रिजाइन करें, लेकिन वो बड़े क्लियर है कि कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। ये जाहिर है, अगर आप में अखलाकी जरूरत ना हो, मॉरल अथॉरिटी ना हो, फिर आप यही बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है कि जो सबसे पहले तो हमने देखना है कि विक्टिम्स जो हैं वो किसको अलर्ज कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखना है कि इन्वेस्टिगेशन है वो किसको अलर्ज कर रही है, फिर हमने ये देखना है कि जो रिपोर्ट है वो किसको अलर्ज कर रही है। तो इसमें तो जो तीनों है वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर अलर्ज कर रहे हैं, और वो बुनियादी तौर के ऊपर जो नाम है वो चीफ मिनिस्टर साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का आ रहा है। अब ये अगर समझते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं है और ये समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, तो फिर उसके लिए इन्हें अदालत में जाना चाहिए, अदालत में अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, जो ट्रायल चल रहा है उसमें शामिल होना चाहिए और जो कानूनी तरीका है उसको पूरा करना चाहिए। खुरम नवाज गंडापुर साहब, अगर चीफ मिनिस्टर अब भी रिजाइन नहीं करते हैं, लॉ मिनिस्टर की आपने बात सुनी, हमारे साथ हैं इस वक्त, तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? ये जो कल मीटिंग हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ और पाक सरजमीन पार्टी के साथ, इसकी फिर क्या अहमियत बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मोईद पीरजादा साहब, आई'ड लाइक टू थैंक यू कि आपने मौका दिया मुझे गुफ्तगू करने का, अपने सामीन के साथ अपने व्यूज शेयर करने का। लेकिन मैं गिले के साथ इब्तिदा करूंगा। आज अगर हम बाकी नजफी की रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे तो हम विक्टिम्स हैं मॉडल टाउन के। सबसे पहले आपको मुझे सुनना चाहिए था, लेकिन हुकूमत को सुनना शायद ज्यादा बेहतर था आपके लिए। मैं तो
लॉ मिनिस्टर नहीं हूं, राणा साहब लॉ मिनिस्टर हैं, मेरे सिर्फ तीन चार सवाल हैं। एक तो ये है कि ये पूरा पलंदा पड़ा हुआ है 10 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का मेरे पास, जिनमें कि जो सरकमस्टांसेस हमारे हैं उसमें री इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर हुई है, नई फ्रेश एफआईआर भी ऑर्डर हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस। अगर राणा साहब को चाहिए हो तो कल मैं ये 10 के 10 रेफरेंसेज इनको भिजवा दूंगा कि किस तरह से नई एफआईआर दर्ज होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑर्डर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने किन सर्कमस्टांसेस में री ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाते हैं, सवाल ये है और ये बड़ी जरूरी बात है, रिपोर्ट कहां से शुरू होती है? राणा साहब एक मीटिंग चेयर करते हैं, डिस्कस डॉक्टर तारुल कादरी का पॉलिटिकल एजेंडा हो रहा है, बैरियर्स की बात नहीं हो रही, डिस्कस, मैं जुमला पढ़ देता हूं, the then law minister Rana Sanaullah had the strong point of view who decided not to allow Dr. Tahirul Qadri to take any opportunity to fulfill his objective. Theek ho gaya ji? Chief minister is committee 16 membran mein represented hain by 2 people, unke apne principal secretary maujood hain, aur because the chief minister is the home minister also to home secretary bhi maujood hain, so he is represented on 2 forums. अब ये मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। बात ये है कि 16 के 16 मेंबरान, ये पेज 66 को मैं पढ़ रहा हूं, 16 के 16 मेंबरान को बता दिया गया कि ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं इनको इंट्रा कोर्ट अपील के तहत हाई कोर्ट ने लगाया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर किया, और इत्तेफाक ये है, हुस्ने इत्तेफाक ये है कि राणा सनाउल्ला साहब के अपने भांजे उस वक्त एसपी मॉडल टाउन थे और उन्होंने जमीन के ऊपर एक एक बैरियर को मार्क किया कि कहां कहां ये बैरियर्स लगने हैं। अब जो बैरियर्स हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लगे हों तो ये एक जायज निकाह की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, इन्होंने तजावजात कहकर उस निकाह को जना बना दिया। They decided in that meeting to break these barriers which had been put on the orders of the High Court. So the Punjab government as a government decided to violate the orders of the High Court, Lahore, the Honorable Lahore High Court. Ye sabse important nukta hai. The law minister decided to break the law and remove these barriers. Aage is report mein clearly kaha gaya hai ke decided tha, चाहे ओपनली, ये मैं दूसरा जुमला पढ़ रहा हूं कि दी टर्म ट्रिब्यूनल देयरफॉर रिमेंड कॉन्शियस ऑफ द डिलिबरेट साइलेंस एंड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय द पुलिस ऑफिसर्स पुलिस ऑफिशियल्स बिफोर द ट्रिब्यूनल क्रिएटिंग सर्कमस्टांसेस टू थिंक दैट द पुलिस हैड टू अबाइड बाय द कमांड अनाउंस्ड सीक्रेटली और ओपनली टू अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ इवन किलिंग द अनआर्म्ड बट प्रेशियस सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जब अच्छा मेरे साथ रुकिए, अप्रूवल दे रहा है चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कह रहा है जी, देखिए आप राणा साहब चीज को वैसे तो मुझे जाना चाहिए इसका एक एनालिसिस लेने का, लेकिन ये जो चीज है कि रिपोर्ट भी ये पॉइंट आउट करती है कि इंट्रा कोर्ट प्रोटेक्शन थी, अपील के जरिए ये बैरियर लगे थे और ये फैक्ट वाजे है, मीडिया में कई दफा डिस्कस हुआ है, आपने हमेशा कहा इनकी कानूनी ये नहीं थे, ये तो तजावजात थी। इस स्टेज पे आप क्या कहेंगे जबकि रिपोर्ट भी ये बात वाजे कर चुकी है कि ये तो एक लीगल प्रोसेस के जरिए लगे थे बैरियर्स? देखें खुर्रम नवाज, गंडापुर साहब ने जो दो बातें की हैं उन्होंने, मैं दोनों का जो है वो जवाब टर्न बाय टर्न दूंगा। जिस तरह से उन्होंने पहली बात को उन्होंने बहुत अहम जाना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 10 से ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं जिसके ऊपर ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो है वो एफआईआर का अंदराज हुआ, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अगर वो इन सर्कमस्टांसेस में पहले भी उन्होंने जो अपनी एफआईआर है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके दर्ज करवाई, उसके ऊपर जीआईटी बनी, उस जीआईटी का इन्होंने बॉयकॉट किया, उस जीआईटी ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की, ये गलत बयान नहीं है ना, बात सुन लें,
چلے میں جب بات کروں گا اس کے بعد پھر آپ جملہ بھی نہیں بولا لفظ بولا ہے میں جی بتاؤں گا بالکل بتاؤں گا نہیں میں آپ کی بات میں نہیں نا بولا اس لئے آپ ہاں اچھا ایک ایف آئی آر درج ہوئی پیٹ کی طرف سے جس طرح سے انہوں نے چاہا جس کو چاہا انہوں نے نامزد کیا اس میں کوئی تقریباً انہوں نے کوئی 25 کے قریب ملزمان نامزد کیے اس کے بعد انہوں نے اس کی جو جے آئی ٹی بنی اس نے جے آئی ٹی نے تفتیش کی تفتیش کرنے کے بعد جے آئی ٹی نے اس اکرنس میں 9 پولیس والوں کو جو ہے وہ چلان کیا 6 کو گرفتار کیا وہ سارے کے سارے 2.5 سال قید کاٹ کے جب وہ بعد بیل میں رہا ہوئے 42 لوگ ان کے جو ورکرز تھے ان کو جو ہے وہ چلان کیا وہ چلان انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جو ہے وہ زیر سماعت تھا اور اس میں یہ بھی پیش ہو رہے تھے دوسرے لوگ بھی پیش ہو رہے تھے 48 کے قریب جو ہے وہ گواہان کے بیان قلم بند ہوئے تو یہ استخاصہ لے آئے اپنا نیا موقف لے آئے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارے جو ہے وہ 135 ملزمان ہیں ان 135 ملزمان کے اوپر انہوں نے کمپلینٹ دائر کر دی پہلا کیس ایک سائٹ پہ ہو گیا ان کا کیس آگے آ گیا اس کے اوپر انہوں نے تقریباً کوئی ایک سال پورا یہ ریکارڈ گواہ ہے انہوں نے اپنی گواہیاں پیش کی 64 کے قریب جو ہے وہ گواہ پیش کیے اس کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ 12 ملزمان کے آپ کے خلاف آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے یہ انوسنٹ ہیں ان میں جو ہے وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ انہوں نے ایک کہانی بنائی تھی اس کی یہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکے 124 لوگوں کو طلب کر لیا وہ 124 لوگ جو ہیں وہ اس وقت عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں ان کے 42 لوگ ٹرائل فیس کر رہے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ اس میں جو انصاف ہوگا جو جزا سزا ہوگی اس کا فیصلہ کرے گی اب یہ جو رپورٹ ہے یہ رپورٹ نہ تو انویسٹیگیشن کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا تھا اب اس کمیشن میں یہ بھی یہ بات کریں گے جی اس کو اختیارات نہیں دیے گئے او بھائی جب آپ نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تو اختیارات اس کو کہاں چاہیے تھے آپ نے تو اس میں جا کے اپنا بیان ہی نہیں دیا اختیارات اب آ جائیں اب دوسری بات کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں آپ دوسری بات پہ آ جائیں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس میٹنگ میں جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کیا کہ ایک جائز چیز کو جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ انکروچمنٹ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ میٹنگ میں کوئی میں جا کے انکروچمنٹوں کو موقع ملازہ تو نہیں کرتا میٹنگ میں جب رپورٹ پیش ہوئی آپ کے بھانجے نے کیا تھا انکروچمنٹ ہے تو اگر انہوں نے کہا جی جس نے بھی کیا تھا اب یہ ہے کہ اگر وہ انکروچمنٹ نہیں تھی تو یہ رپورٹ پیش کرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ میٹنگ میں جو ہے وہ صحیح رپورٹ پیش کرتا یہ پیج 65 ہے یعنی رانا صاحب میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں میں ایک بریک لے رہا مجھے رانا صاحب ایک بریک لینی ہے اب یہ تو اگر آدھا گھنٹہ بولتے رہیں گے تو پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا نہیں دیکھیے میں اس بریک لے لوں اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے جو نقطے اٹھائے ہیں خرم گنڈا پور صاحب آپ اس کو ریسپونڈ بھی کر سکتے ہیں رانا صاحب تو غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگیلٹی جو تھی وہ ان کے علم میں نہیں تھی اور مجھے ابھی تک جنرل امجد شعیب صاحب کو میں نہیں لے سکا لیکن بریک کے بعد جنرل صاحب میں آپ سے ایک انالسٹ کی حیثیت سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب کے چیف منسٹر کی سیاسی حیثیت کیا اب ٹینیبل ہے کیا وہ سیاسی طور پر آگے کنٹینیو کر پاتے ہیں جس قسم کا پولیٹیکل نیکسس ان سے ان کا ریزیگنیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقت سے پہلے پنجاب کے لا منسٹر جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا جو نقطہ تھا اس پہ ہم بات کریں گے نقطہ بنیادی طور پر ان کا یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے ادارے کے باہر لگے ہوئے جو بیریئرز تھے ان کا ایک قانونی پس منظر تھا قانونی بیک گراؤنڈ تھا ان کو ایک لیگل پروٹیکشن حاصل تھی اس سے رانا صاحب واقف نہیں تھے اور شرکا کی یہ ذمہ داری تھی جو 16 جون کو میٹنگ ہوئی کہ وہ سول سرونٹس جو ہیں پولیس آفیسرز اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے جو آفیسر ہیں وہ ان کو آگاہ کرتے کہ اس قسم کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے اس پہ ہم رانا صاحب کا بھی دوبارہ پوائنٹ آف ویو لے لیں گے اس کے اوپر خرم گنڈا پور صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں گے لیکن جو بنیادی پولیٹیکل کوسچن ہے میں اس کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں وہ پولیٹیکل کوسچن میرا جنرل امجد شعیب صاحب کا ہے پی ٹی آئی پاک سرزمین پارٹی پیٹ اس کے اندر چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہیں اب پنجاب کے چیف منسٹر کا سیاسی مستقبل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو پولیٹیکل نیکسس ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ پچھلے 4.5 سال میں پہلے نہیں دیکھا گیا اور جو صورتحال ابھی پیدا ہو رہی ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ ایک وقت جو پہلے دھرنے آئے تھے تو یہی پولیٹیکل پارٹیز
خاص طور پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم یہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، آج یہ حکومت سے مخالف سمت میں جاتے نظر آ رہے ہیں ایم کیو ایم کے اپنے دھڑے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ قادری صاحب کے ایشو کے اوپر عوامی حمایت بھی بہت حد تک حاصل ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس بڑھنے کے چانسز موجود ہیں۔ ان سارے چیزوں میں حکومت کو فیصلے کرنے ہوں گے بڑے جلدی اور بر وقت۔ میں جو ہسٹری دیکھتا ہوں چار سال کی، اس میں تمام وہ فیصلے جو کہ کیے گئے وہ بر وقت نہیں کیے گئے، ڈیلیٹ کیے گئے۔ مختلف دھرنوں کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، چنانچہ کرائسس جو ہیں وہ بڑھتی گئیں، اور پچھلے دھرنے میں بھی اگر جو یہ مذہبی قوتوں نے کیا، اگر بر وقت فیصلہ کیا جاتا تو شاید ایک استعفے پہ بات ختم ہو جاتی، لیکن پھر وہ کافی سارے مطالبات سامنے آئے اور ڈیمانڈز ماننی پڑیں۔ یہ صورتحال آج بھی موجود ہے کہ اگر اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فوری طور پہ کوئی عمل نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ پرابلمز بن سکتی ہیں۔ جو آپشنز ہیں ان میں عمل کرنے کے لیے جو آپشنز ہیں وہ ہیں کہ آپ ارلی الیکشنز اناؤنس کر سکتے ہیں، اکا دکا استعفے ہو سکتے ہیں، جو نیگیٹو سائڈ سے جو آپ کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں، اکا دکا، یہ بار بار آپ اشارہ کر رہے ہیں اکا دکا یا ایک استعفیٰ، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر چیف منسٹر مجبور کریں رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک بار پھر ریزائن کرنے کے لیے تو رانا صاحب کے استعفے سے چیف منسٹر صاحب بچ سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ اس سچویشن کو ایویلیویٹ کریں تو ہو سکتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچیں، لیکن اگر یہ ڈیسیژن ڈیلے ہوتا ہے تو کوائٹ پاسبل کہ کل کو کرائسس ایسی بڑھ جائیں کہ شاید چیف منسٹر صاحب کو بھی ساتھ جانا پڑے۔ کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کرائسس ہیں ان کے لیے پولیٹیکل مینز ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ وائلنٹ مینز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے میرا خیال ہے کہ معاملات بہت بگڑ جائیں گے، کیونکہ آج ملک میں ٹیمپرز لوگوں کے مختلف ہیں۔ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ سیاسی اتحاد جو بن رہا ہے یا سیاسی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی صفوں میں بہت جلدی وہ قوتیں بھی کھڑی ہو جائیں گی جو کہ ختم نبوت کے اوپر نعرے لگاتی تھیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام آباد میں وہ متنازع بنتا جا رہا ہے، اور اگر حکومت کسی وجہ سے اس معاہدے کے لے کے آگے نہیں چل سکتی اور معاہدے پہ عمل نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کو ایک اور جواز مل جائے گا کہ وہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں میرا خیال ہے جلدی فیصلے کرنے ہوں گے، اگر جلدی فیصلے نہیں کریں گے تو سچویشن بگڑتی جائے گی اور ڈیمانڈز کی لسٹ بھی بڑی ہوتی جائے گی مخالف قوتوں سے، اور اس میں پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، اگر رانا ثناءاللہ صاحب بڑا دل کریں اور سیاسی قربانی دے دیں تو رانا صاحب کی سیاسی جو قربانی ہے اس سے کیا شہباز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل بچتا نظر آتا ہے؟ سیاسی مستقبل جو ہے وہ تو اس کی تو تعلق ہے الیکشنز کے ساتھ، اور یہ جو ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے یہ سیاسی تو نہیں، یہ تو کرمنل کیس ہے، اور یہ جو ابھی تمام کہانی رانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن اگر ہم جو دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، یا تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اور شہباز شریف صاحب ذمہ داری قبول کریں گے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، پولیس والوں نے اور بیوروکریسی نے خود فیصلہ کیا تھا۔ اب جو بیوروکریٹس ہیں جیسے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو سزا کیا ملی، مثلاً جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے ان کو اٹھا کے ڈبلیو ٹی او میں سوئٹزرلینڈ میں آپ نے امبیسڈر لگا دیا، جو پولیس افسران تھے ان کو پرائز پوسٹنگز دی گئی۔ میکسیمم جو لوگوں کو جن کو جیل میں ڈالا گیا وہ یا بیچارے سپاہی تھے یا اے ایس آئی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، کوئی مکھیاں تو نہیں مری، اور پورا پاکستان اس طرح کا جو پولیٹیکل وائلنس ہے وہ ان ہرڈ آف ہے پاکستان میں جس طریقے کا یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا۔ اب یہ ذمہ داری کا تعین کرنا جو ہے وہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست اس عمل میں لگی ہوئی ہے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ بھی اسی جانب ایک قدم ہے۔ اب رانا صاحب کے پاس چوائسز دو ہیں، یا وہ حکومت میں ہوتے ہوئے خود انصاف کی کوشش کرے، اور انصاف اگر نہیں ہوگا تو حکومت کے بعد ہوگا، انصاف تو ہوتا، انصاف تو ہونا ہے۔ یہ کوئی 14 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی جانیں جو گئی ہیں ان کا انصاف تو ہونا ہے، یہ اب ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے یہ دیکھیں گے۔ رانا صاحب کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس کہ کوئی بھی ذمہ دار جو تھا سینئر اس کو تو کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں گیا؟ موئید آپ نے مجھے رسپونڈ نہیں کرنے دیا، مجھے آپ نے رسپونڈ نہیں کرنے دیا رانا صاحب کے پوائنٹس پہ۔ چلے آپ پہلے رسپونڈ کر لیں، میں ویسے یہ چلے آپ کر لیں،
आप कर लें नहीं, बट व्हेन यू वेंट टू द ब्रेक यू सेड के ब्रेक के मैं तो बड़ी सिंपल बात है जो 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 राणा साहब ने फरमाया कि जी मुझे मिस गाइड किया गया। वो कहते हैं लाइलम थे में है कि 16 के 16 अफराद जो मौजूद थे उन सब को पता था कि इंट्रा कोर्ट अपील में ये फैसला हुआ है। बहरहाल अगर इनको कमिश्नर साहब ने मिस गाइड किया तो उस कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, उस कमिश्नर को तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइज पोस्टिंग्स इन पाकिस्तान ही इज एंजॉइंग टुडे। इसी तरह जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा मुख्तलिफ लोगों को एवरी वन इज ऑन अ प्राइज पोस्टिंग, इज दिस अ रिवॉर्ड और इज दिस अ पनिशमेंट फॉर द मैसेकर। DIG राना अब्दुल जब्बार साहब को अमेरिका भेज दिया गया जिस तरह इन्होंने कहा है, WTO में उसको एम्बेसडर लगा दिया गया, उसके बाद रहीम शिराजी साहब को लंदन शेवनिंग स्कॉलरशिप पे भिजवा दिया गया, तारिक अजीज साहब इस वक्त भी लाहौर में एक अच्छी पोजीशन एंज�य करें। एवरीवन शायद एक एक्सेप्शन के अलावा हर एक पुलिस ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है। बार बार रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जनाब ये कनाइवेंस ऑफ साइलेंस था, क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि चीफ मिनिस्टर ने झूठ बोला, तो लाइंग अंडर ओथ बजाते खुद एक इंपीचमेंट की का क्राइम है। उसमें बिल्कुल उसने कहा है कि इट हैज बिकम क्रिस्टल क्लियर दैट द ऑर्डर ऑफ डिसएंगेजमेंट वाज नॉट पास्ड एट ऑल, रादर द पोजीशन टेकन बाय CM पंजाब अपीयर्स टू बी एन आफ्टर थॉट डिफेंस नॉट टेकन बिफोर द नेशन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ना राना सनाउल्ला साहब ने फरमाया, तौकीर शाह साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी हमें डिसएंगेजमेंट ऑर्डर्स मिले। जी राणा साहब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो 15 अप्रैल 2011 का पुलिस ऑर्डर है जो कि मॉडल टाउन पुलिस का, जी राणा साहब ये जो 15 अप्रैल 2001 का पुलिस ऑर्डर है जो कि लाहौर हाईकोर्ट की तकरीबन 5 या 6 माह की प्रोसीडिंग के बाद मॉडल टाउन पुलिस ने इशू किया जिसमें 12 यानी नुकात हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 3 जगहों पे फिजिकल चेकिंग की जाएगी, कोई शख्स इदारे में बगैर चेकिंग के दाखिल नहीं हो सकता है। आई एम श्योर के प्रोड्यूसर स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, इदारे की तरफ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, 1 माह तक रिकॉर्डिंग महफूज रखी जाएगी, खवातीन के लिए अलग सिक्योरिटी का कहा गया, इदारे की सिक्योरिटी के लिए तरबियत याफ्ता मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए, फिर तमाम गाड़ियों को स्टिकर इशू किए जाएँ, एंट्री पॉइंट पर स्टिकर चेक हों। इस हद तक लिखा है कि इदारे में आने वाले हर शख्स को जो कि पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट की यूनिफॉर्म में हो उसको भी मुकम्मल शनाख्त चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा, और इट हैज बीन साइंड बाय मोहतरम पुलिस मॉडल टाउन डिवीजन लाहौर। ये कैसे हो सकता है कि 16 के 16 शुरका जो हैं वो इससे ना वाकिफ हो जबकि जस्टिस वाकिफ नजवी कह रहे हैं कि वो वाकिफ थे? यही मेरा पॉइंट तो ये है कि क्योंकि आपने ये ऑर्डर पढ़ सुन लेना, आपने ये मोहित साहब ऑर्डर पढ़ना शुरू किया है, यहां पर कहीं ये भी लिखा है कि रोड को जो है वो बैरियर लगा के बंद किया जाएगा? ठीक नहीं, ये कहीं नहीं लिखा, बैरियर लगे हैं वो कहां लिखा है? मैं वो लिखा है मगर वो आप उसके पर आएंगे तो मैं वो भी आपको जो है वो अर्ज कर दूंगा। जी सुन आप बात सुन राणा साहब, इसमें रिपोर्ट में बैरियर जो आपने ये बात की है 3 जगहों पे बैरियर्स ही तो जी नहीं रोड्स की बातें कर रहे हैं। देखे जब हमजा शहबाज साहब के घर के सामने की रोड ब्लॉक हो तो वो लीगल है, राणा साहब को रिस्पॉन्ड तो कर। हाँ बिल्कुल वो लीगल है, आप मुझे बात करने दें। जहां तक आपने उस रिपोर्ट की बात की है, पहली बात तो ये है कि मैं ये बात जो है वो अर्ज करूंगा कि जब ये आप पेज है 65 कमिश्नर लाहौर submitted the report about illegalities in placing the barriers and its erection on the roads which were considered and treated as encroachment around Adara Minhajul Quran, therefore the chair decided to remove them. अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस official ने ये report पेश करनी थी, ये हाई कोर्ट का हुक्म, ये SP का हुक्म जो है, ये सारी चीज़ें जो है उसका काम था कि वो इनको कंसिडर करता। मैंने बाद में अपने तौर पे जब ये बात उठी
तो मैंने हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मैंने चेक किया, आप ये एसपी साहब की कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैंने हाई कोर्ट का फैसला जो चेक किया जिसका जिक्र है आईसीए नंबर 155/12/2011, उसमें बैरियर्स लगाने का कोई ऑर्डर कोई हुक्म नहीं है। अब आ जाए आप अगली बात पे जो इन्होंने की कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो झूठा करार दे दिया गया है। मामला ये है जी वो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, मैंने देखा है उसका। अगर हुक्म आप मुझे पता होता कि आज इस बारे में बात हो रही है तो मैं ये मोहित पीरजादा साहब मैं आपके साथ कमिटेड हूँ और मैं जो है राणा साहब मैं वाकिफ हूं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आप लाहौर हाईकोर्ट के जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं अप्रैल 2011 के, उस ऑर्डर में यह फैसला हुआ कि कंसेंसस हो गया प्लेंटिफ के दरमियान और पुलिस के दरमियान के एक इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस डेवलप की जाएंगी। उसके बाद उस अदालत की फैसले की रोशनी में मॉडल टाउन पुलिस ने ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी, जो इन राइटिंग हैं, जो इन साइंड हैं, जो इसे कहते हैं 15 अप्रैल 2011 की हैं, जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ज़ाहिर है ये अदालत ने स्पेसिफिक माइक्रो डिटेल्स नहीं दी हैं, वो स्पेसिफिक माइक्रो डिटेल्स पुलिस ही की जिम्मेदारी है एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ पंजाब। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, के बाद इसमें मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन कानूनी नुकात पे और फैक्ट्स पे तो बहुत बात हो गई, सियासी पिक्चर के हवाले से एक बात हो जाए, बहुत वक्त हमारे पास कम है। जनाब जो शुएब साहब, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब रिजाइन नहीं करते बावजूद मुतालबे के, और ये इसके कभी चांसेस हैं कि वो इस तरह से रिजाइन नहीं भी करेंगे, तो फिर क्या दिसंबर के महीने में पंजाब के तूलो अरज में आप सियासी मुजाहरे और कश्मकश बिल्डअप होते देखते? जी इसमें मेरा ख्याल है कि आसान रास्ता ये था कि इलेक्शन करवा दिए जाते, इलेक्शन अनाउंस हो जाए, डेट उसकी बेशक बाद में आए, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला थम सकते हैं। लेकिन इसमें अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो एक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा अहम काम ये करना होगा कि दीनी जमातों को इनसे दूर रखें। अगर दीनी जमातें उनके भी मामलात आप गलत तौर पे चला सकें जो पहले उनके साथ बिगड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। रहा मसला ये जो पोलिटिकल पार्टीज़ जिनका आप कह रहे हैं, ये अपने तौर पर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज शायद ना पेश कर सकें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में वो ताकत नहीं रही जो किसी ज़माने में होती थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई के लिए मसाइल पैदा कर सकता है तो वो पैट और पीटीआई है, और पैट और पीटीआई की परफॉर्मेंस आपने पहले भी देखी, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं बन सके। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमतों को यहाँ पर आम एहतजाज से कोई असर नहीं होता जब तक हुकूमतों को पैरालाइज ना कर दिया जाए, और बहुत सारे शहरों में पैरालाइज ना कर दिया जाए, जब तक कि हुकूमतें जो है वो काम करने से बिल्कुल बेजार हो जाएं कि उनका काम ना चल सके, वो आपकी बात सुनती नहीं है। ये धरनों में भी यही कुछ होता रहा, तो वो सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल कि पैट और ये बहुत सारे शहरों में पैदा कर सकते हैं। अगर एक आध लाहौर वगैरह शहर में हुआ तो मेरा ख्याल है हुकूमत की कैपेबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर सके, लेकिन अगर किसी वजह से दीनी जमातें साथ शामिल हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है वो बहुत खतरनाक हालात इनके लिए पैदा होंगे, फिर हुकूमत को शायद वैसे ही पैकअप करना पड़े। खुरम गंडापुर साहब, अ स्टॉर्म इन द टीकप, कुछ कर नहीं सकते आप लोग? ये तो वक्त ही बताएगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बात मैं कहता चलूं राणा साहब की खिदमत में कि सानेहे से एक रात पहले तक ये सारे के सारे बैरियर्स जिनको ये इल्लीगल करार दे रहे हैं, वो पंजाब पुलिस उन पे पहरा देती थी। और ये जिस ऑर्डर में कह रहे हैं कि ये तो पुलिस का ऑर्डर है, ऑन द एश्योरेंस ऑफ एसपी पुलिस के ही विल टेक ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट दिस प्रेमिसेस, हाई कोर्ट ने पिटिशन डिस्पोज ऑफ की और एसपी की इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ के सुना दी हैं, और इस बेसिस पे हमने रोका था कि इवन यूनिफॉर्म पुलिस पीपल कैन नॉट एंटर द प्रेमिसेस विदाउट अंडर गोइंग अ सर्च। ये तो चढ़ दौड़े थे। दूसरा, ये मुजाहमत की बात करते हैं,
मुजाहमत हमेशा हमला आवर के अगेंस्ट मुजाहमत की जाती है। सही, अगर हम एग्रेसर थे तो हम तो मुजाहमत नहीं कर रहे थे, वी वुड देन हैव बिकम द अटैकर्स। इन्होंने अटैक किया, हमने मुजाहमत की, उस मुजाहमत में इन्होंने हमको गोलियां मारी। और मैं राणा साहब और मैं ये चीज बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई एम वन ऑफ द बेस्ट मार्क्समैन इन द वर्ल्ड, इनकी एफआईआर और एफआईआर कैसे मौजूद? हम एसएचओ के पास गए, एफआईआर लॉज नहीं हुई। ये फैक्ट्स हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। राणा साहब, आप डिटरमिन्ड है कि ना आप ना चीफ मिनिस्टर रिजाइन कोई नहीं करेगा, आपकी डिटरमिनेशन है? देखे बात ये है कि ये देखे बात ये है कि जहां तक अलामा ताहरुल कादरी साहब की बात है, कल एक शिकारी ने उनको फोन किया था, दूसरा शिकारी शाम को हाजिर हुआ, एक शिकारी कल आ रहा है। इनका मकसद ये है कि हम उठा के जो है ना कादरी साहब को कंटेनर में बैठा दें और वो इस काम पे लग जाए और हम अपना काम करते रहें। मेरी खुर्रम रवाज गंडापुर साहब से गुजारिश होगी कि इन तीनों को साथ बैठाएं, इन तीनों को साथ बैठा के आप धरना दें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, हम आपके एहतजाज के ऊपर हमें कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन ये एक लीगल आपका जो भी राइट बनता है अगर आप कोर्ट से लेना चाहते हैं वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज 10 हैं या 15 हैं, वो आप अदालत अगर कहेगी कि फ्रेश एफआईआर दर्ज करो हो जाएगी, फ्रेश जेआईटी बननी है बन जाए, तो फिर हो फ्रेश तफ्तीश हो रही है करें, हम अपना जो है वो हम अपना मौका अपना अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करेंगे। मैंने खुर्रम नवाज गंडापुर के सनाउल्लाह साहब का, जल साहब का, फवाद चौधरी साहब का, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब का बहुत शुक्रिया। पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने को है वो बहस आपने देखी, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक बार फिर मैं ये जुमला दोहराऊंगा कि आलम इस्लाम में जो सियासत हो रही है, जहां खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के 100 बरस के अंदर अंदर तुर्की ने एर्दोगान की लीडरशिप में एक बार फिर तमाम मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप जो है वो इकट्ठी कर ली है, उस तुर्की ने जो नेटो का मेंबर भी है, उस तुर्की ने जो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी है और यूरोप की इकोनॉमी में इंटेग्रेटेड है, वो आलम इस्लाम की लीडर की हैसियत से उभर चुका है। इख्तिताम, कल फिर आपसे मुलाकात होती है।